हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। साइंस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? माने सब अच्छे ही होंगे अपने घर में। आइए, कल के क्लास में हमने सीखा था, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें सीखा था हमने कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालें। अब उसके आगे थोड़ा चलते हैं। जैसे कोई भी डिजिट के, कोई भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है तो बिल्कुल आसानी से उसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये सीखते हैं कि उसका स्क्वायर हम बिल्कुल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आइए देखते हैं, जब किसी संख्या के अंत में 5 आता है तब हम स्क्वायर कैसे निकालें। सपोज हम किसी संख्या को लेते हैं, जैसे 65 को लेते हैं। 65 का स्क्वायर हम कैसे निकालें, देखिए थोड़ा सा और इसको मोटा करते हैं। तो 65 इसका इकाई का अंक यानी 5 है और दहाई का अंक 6 है। तो इकाई का अंक का स्क्वायर कर लें, यानी 5 का स्क्वायर कर लें तो 25 होगा। और दहाई का अंक पर चाहे जो भी अंक है उससे एक एक्स्ट्रा से उसका गुणा कर देंगे, यानी 6 का एक आगे वाली जो संख्या होगी वो तो 7 होगी, तो 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 6 × 7 = 42 हो जाएगा। 65 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अरे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा और एक एक्स्ट्रा लेंगे, यानी जो दहाई के अंक पर है उससे, दहाई के अंक पर चाहे कोई भी संख्या हो उससे हमको एक एक्स्ट्रा लेना है, यानी 7 और उससे एक एक्स्ट्रा जो होगा वो 8 होगा, यानी 7 × 56 यानी 56। 85 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 8 × 72 होगा। आप सीख गए होंगे। जैसे 95 का हम एग्जाम्पल ले, 95 का स्क्वायर क्या होगा, तो 95 5 × 25 होगा और 9 × 90 होगा, यानी 90 20। अब आप सीख गए होंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर यानी इकाई का अंक में 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 3 से एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 3 × 12 यानी 1225 होगा। इस तरह आप जिसके भी आखिरी अंक में, आखिरी डिजिट, किसी भी अंक का अगर आखिरी डिजिट 5 है तो हम स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। यानी पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे और फिर जो दहाई का अंक होगा उस अंक से एक एक्स्ट्रा लेके उसी में गुणा कर देंगे। इस तरह हम सीख पाएंगे कि 35 किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अनुमान है कि आप सीख गए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, कुछ रिपीटिंग डिजिट हैं उनके स्क्वायर कैसे हम निकालें, तो आइए सीखते हैं। जैसे मान लो कि उसी दिन हमने बताया था कि 11 का स्क्वायर अगर 1 × 1 होगा, इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर छूट गया एक्चुअली। तो अगर यहाँ पर 3 अंक आ जाए, जैसे 1 1 करके 3 टाइम आ जाए, तो कुछ नहीं करना, इसको काउंट करना है कि कितने टाइम है, उसके बाद काउंट करके, एक मिनट, इसको जैसे 1 1 1 इसका अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो इसको काउंट करना है 3 टाइम है, उतने टाइम ऊपर जाना है यानी 1 2 3, फिर डाउन चले जाना है 2 1। मान लो 4 टाइम आ गया, 1 1 1 1 4 टाइम आ गया, अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो जाएंगे 1 2 3 4 फिर 3 2 1। इस तरह हम इसका स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकाल लें। मतलब पहले अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 5 टाइम अगर आ जाए ना, तब भी हम बिल्कुल आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर हमको इसका स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए तो 5 टाइम गिनेंगे, 5 तो 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से हम डाउन चले जाएंगे और जाएंगे 4 3 2 1, बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे 33 का स्क्वायर, अगर 33 का स्क्वायर हमको पता है कि 1089 होता है, तो अगर इससे बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 33 3 टाइम आ जाए, तो हमको कुछ करना नहीं है इसका स्क्वायर निकालने के लिए। इसमें जो ये वाली अंक है, 1 है और 8 है, उसको उससे एक कम रखना है। जैसे ये 3 टाइम है तो 2 ही टाइम लेना, जैसे इसका स्क्वायर 1 1 2 टाइम लिया,
फिर जीरो को सेम टू सेम एडजस्ट उतार देना है, उसके बाद एट एट को दो टाइम करना है, फिर थ्री कर देना है। आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो कि थ्री थ्री फोर टाइम आ गया, अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि तीन फोर टाइम है, तो फोर टाइम के लिए इसको वन वन को थ्री टाइम करेंगे, वन 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 थ्री टाइम होगा, उसके बाद जीरो, फिर एट को थ्री टाइम लिखेंगे, उसके बाद थ्री हो जाएगा। इस तरह हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह 66 का है, अगर 66 का स्क्वायर 4356 होता है तो उसी तरह इसका मान लो कि सॉरी थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, मान लो 66 का स्क्वायर हमने देखा है, 66 का स्क्वायर 4356 होता है, तो उसी तरह हम निकालेंगे, मान लो कि इस थ्री टाइम आ गया, इसका स्क्वायर हमको निकालना है, तो इसको काउंट करेंगे थ्री टाइम है, तो फोर फोर को दो टाइम लेंगे, फिर थ्री लेंगे, फिर फाइव फाइव सिक्स लेंगे, और इसी को अगर फोर टाइम निकालना है, जितनी बार निकालना है उससे बस एक बार कम, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या को उससे एक बार कम लेना है, मतलब अगर ये चार टाइम है तो फोर फोर को थ्री टाइम लिखना है, फिर थ्री सेम लिख देना है, फिर फाइव फाइव फाइव, फिर सिक्स लिखना है। उसी तरह 99 में भी होगा, अगर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे, अगर ये थ्री टाइम आ जाता है, अगर इसका हमको स्क्वायर निकालना है तो इसको देखेंगे पहले और दूसरे संख्या को उससे एक कम बार, मतलब तीन टाइम है तो दो ही टाइम लेना है, जैसे नाइन नाइन, फिर एट, फिर जीरो जीरो वन, यानी अगर चार टाइम आ गया तो क्या करना है, नाइन 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 थ्री टाइम, फिर एट, फिर जीरो जीरो जीरो, फिर वन। इस तरह हम ये एक्चुअली में ये सब जो एग्जांपल्स हैं ये बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको हम बहुत ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से करेंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से हमको समझ में आ जाएगा और उतना ही फास्ट हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद,